अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा केंद्रीय युवा दल के अंतर्गत माथुर वैश्य मंडलीय परिषद आगरा मंडल के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में सष्टम राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को किया जाएगा, जिसकी जानकारी पंचकुइया चौराहे पर माथुर वैश्य भवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माथुर वैश्य मंडल परिषद आगरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने दी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा देश में 133वें स्थापना दिवस मनाने वाले एकमात्र संगठन है। संगठन सामाजिक योजना जैसे असहाय विधवा पेंशन, दिव्यांग सहायता, सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन आदि का संचालन लंबे समय से चला आ रहा है। मंडल अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि हमारे संगठन के द्वारा 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत में एक ही दिन रक्तदान शिविर का आयोजन का निर्णय लिया गया था और बताया कि अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा केंद्रीय युवा दल के अंतर्गत माथुर वैश्य मंडल यह परिषद आगरा मंडल के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में षष्टम राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आयोजन 24 जुलाई को दिन रविवार को संपन्न कराने का निर्णय लिया है। इस बार संपूर्ण भारत में लगभग 50-60 शिविरों के माध्यम से रक्तदान पर्व मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 8000 यूनिट का संग्रह किया जाएगा और रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।